तो आज हम त्रिभुज नारायण मंदिर आ चुके हैं। ये धर्मपत्नी जिनके 12 बज चुके हैं, अनिता घेलू और हमारे देवू ड्राइवर भाई ले लो, सब आ चुके हैं मंदिर। आज शादी की सालगिरह है, हमने सोचा यहीं पर मनाई जाए। ऐसे लग रहा है जैसे पिटाई छिटाई करके भेज जा रहे हैं। आपके उसमें लोटा है? देहरादून अच्छा नमस्ते गरम गरम पानी में रूली है थोड़ा सा किनारे पर थोड़ा पानी डाल के घोल दीजिए। वो अगरबत्ती मेरे को देगा उसमें थोड़ा पानी डाल था उसको घोल दीजिए। ओम नंगी हमने सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सांस्कारिणी सरस्वती सदविग्रह पुष्कराध्यान ध्यान गंगा जा सत्य सदा आगछंद पवित्राणी पूजा काली सदा मम। ये कलश में लगा दीजिए हैं, हाथ से लगा दीजिए हैं। ओम कलश सचिव के बिंदु कंठे रुद्र समाज मूली तस्य ब्रह्मा कुतो चाग्र सप्तद्वीप वसुंधर ऋग्वेद यजुर्वेद चाम वेद अथर्वेण अंगिरा सहित कलशसर ओं कावेरी सिंधु महेन्द्र तनया चर्माघया क्षिप्रावती भैरवी सुमती ख्याताजया गांडगी पुण्यम पुण्यजले सहिता कुरुवंत सदा मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गर्दध्वजा मंगलम पुण्यवीरा मंगलास्तनवरी। ओम नमामि गंगे तव पाद मंगलम सुरासुरी भक्तिंद्र मुक्ति फल लक्ष्मी
राव केतु सर्वे शांति करा भवन्तु या देवी सर्वभूतेषु सतिरूपेण सहिता नमतस्य नमतस्य या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण सहिता नमतस्य पार्वती मैया बोल शंकर भगवान हर हर महादेव मालिद्यान सुगंध्यानि मालिद्यान मे प्रभु मया हिदात पूजात पुष्पाणि भक्तस्तु मालिद्यानि सुगंध्यानि मालिद्यानि मे प्रभु मया हिदात पूजात पुष्पाणिं प्रति गृहीता चढ़ादु चढ़ादु फिर आपको देंगे। उसके बाद लिखा आपके ओम सजदे लक्ष्मी शपथ्याम बहोरात्रिं पूजा सामान जो आपकी मनोकामना है या जिस उद्देश्य को आप घर से लेके आए हैं अपने परिवार के कार्यविधि के लिए कारोबार वृद्धि के लिए नौकरी चाहिए के लिए जो भी मनोकामना हो ओम नमः शिवाय करके भगवान से अपनी मनोकामना पूरी यहाँ पर जरूर मनोकामना पूर्ण होती है। मैं श्री स्तोत्र बोल रहा हूँ चारु चंद्रावतमापते श्री गुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगोषम वंदे पशूनां पदे वंदे सुर शशांक भदनैनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजन श्री गुरु वंदे शुभम बोलो हे भगवान शंकर हे माता पार्वती हमारी यात्रा सफल करो मनोकामना पूर्ण करो कुटुंब परिवार की रक्षा करो कारोबार में वृद्धि करो राजी खुशी भगवान केदारनाथ की जो डोली है 6 महीने है पूजा होती है शादी के साल ग्रह दर्शन करने आ गए धर्म पत्नी के अभी भी 6 बजे हैं वैसे दिन में 12 बजे हुए थे लम 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 लम
तो इवेंट कल शिवरात्रि है, भोले का बहुत बड़ा दिन होता साल में और हम वहाँ पर आ चुके हैं। मंदिर सजाया जा रहा है, शादी के साल के पर आज हमें आने का मौका मिला, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। बाबा उखी मठ के दर्शन कर ले, जहाँ केदार बाबा की डोली रहती है। 6 महीने जब बाबा के दरबार बंद रहता है केदारनाथ में, अब दर्शन कर लिया है धर्म पत्नी के साथ। अभी देखिए, बड़ा सौभाग्यशाली है कि आज शादी की सालगिरह और भोले पार्वती का जहाँ पर विवाह हुआ वहाँ पर हमने दर्शन किए। और जो यहाँ पर भोले बाबा की जो डोली रहती है वहाँ पर उन्हें दर्शन कर लिए। ये छोटा भाई हेलो अनिता, देखिए सौभाग्यशाली, कभी कभी जीवन में ऐसा मौका मिलता है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, कि जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं घूमूँ और उनके साथ भी घूमूँ और उनको भी लेके घूमूँ। देखिए परिक्रमा हमारी पूर्ण हो गई। थोड़ी ठंड ज्यादा हो रही है, धर्मपत्नी की आंखें देखिए कैसी बोलने शुरू हुई है। आया बिना ज़्यादा मत, नाम जानो।